हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं, डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स जिसकी शुरुआत मैन ऑफ स्टील मूवी से हुई थी, इस यूनिवर्स ने अपनी पूरी जर्नी में बहुत से अप्स एंड डाउन देखे। जनरल ऑडियंस के साथ मूवी क्लिक ना होना, उस वक्त के एग्जीक्यूटिव्स का इंटरफेरेंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइडेड फैन बेस की वजह से इस यूनिवर्स की मूवीज़ को जितना फाइनेंशियल प्रॉफिट मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया। और यही रीजन है कि वार्नर ब्रदर्स अब इस यूनिवर्स को एंड कर रहा है और एक्वामैन 2 हमारी डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की लास्ट मूवी होने वाली है। जेम्स गन ने यह कंफर्म किया है कि अब हमें डीसी यूनिवर्स मिलेगा जो एक हार्ड रिबूट होगा और एक फ्रेश स्टार्ट के साथ होगा। और इस नए यूनिवर्स की जो पहली मूवी होने वाली है वो है सुपरमैन रिबूट। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस सुपरमैन रिबूट मूवी से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और फिलहाल हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है इस मूवी से रिलेटेड। अच्छा, पहली चीज़ गाइज जो कंफर्म हुई थी वो ये कि हमें एक यंग वर्जन ऑफ सुपरमैन देखने को मिलेगा, यानी कि जो एक्टर्स 25 से 30 इयर्स के बीच में होंगे उन्हें कास्ट किया जा सकता है नए सुपरमैन के तौर पे। अच्छा, तुरंत ही ये कंप्लेन आने लग गई लोगों की तरफ से कि भैया एक और ओरिजिन स्टोरी, कितनी बार ओरिजिन स्टोरी बनाई जाएगी, कितनी बार सुपरमैन की ओरिजिन स्टोरी ऑडियंस को दिखाई जाएगी, ये एक तरीके से गलत डिसीजन है। लेकिन तुरंत ही जेम्स गन ने ये क्लेरिफाई कर दिया कि हमें क्लार्क केंट के अर्ली ईयर्स को तो दिखाया जाएगा लेकिन ये एक ओरिजिन स्टोरी नहीं होगी, यानी कि मेट्रोपोलिस, डेली प्लेनेट, लुइस लेन, जिमी ऑल्सन, ये कैरेक्टर्स ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड होंगे हमारे यूनिवर्स में और क्लार्क केंट ऑलरेडी इनको जानता होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि ईयर 2 का सुपरमैन हमको देखने को मिल सकता है। सेम कॉन्सेप्ट जो मैट रीव्स ने यूज किया था अपने बैटमैन के साथ। रॉबर्ट पैटिंसन का जो बैटमैन है वो ईयर 2 का बैटमैन है और हम ये देखते हैं कि गॉथम सिटी ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है और कई सारे सुपर विलन्स जैसे पेंगुइन का कैरेक्टर, जोकर, कारमाइन फेल्कोन, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं गॉथम में और बैटमैन भी इनको जानता है। और गाइस, ऑडियंस के साथ भी ये चीज़ क्लिक हो गई थी, ऑडियंस को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो आई थिंक सेम कॉन्सेप्ट सुपरमैन रिबूट के साथ भी यूज़ किया जाएगा और हमें ईयर 2 का सुपरमैन देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज़ जो लोग कहते रहते हैं कि भैया डीसी जो है ये एनिमेटेड यूनिवर्स तो बहुत अच्छा बनाता है, एनिमेटेड मूवीज़ तो बहुत अच्छा बनाता है, लेकिन लाइव एक्शन में ये वो कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाते। तो जेम्स गन ने ये चीज़ क्लेरिफाई की है कि अब जो डीसी यूनिवर्स होने वाला है ये एनिमेटेड शोज और एनिमेटेड यूनिवर्सेस से भी इंस्पिरेशन लेगा। और आपने एक एनिमेटेड मूवी देखी है सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो जिसमें लोबो एज वन ऑफ द विलन नजर आया था। और आप जानते हैं, स्पेकुलेशन है कि शायद जेसन ममोआ इस नए डीसी यूनिवर्स में लोबो के तौर पर नजर आ सकते हैं। तो गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो सुपरमैन रिबूट है इसमें लोबो का कैरेक्टर वन ऑफ द विलन के तौर पे नजर आएगा। एक और चीज गाइज, हो सकता है कि लेक्स लुथोर का कैरेक्टर भी ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड हो सुपरमैन रिबूट में। और जैसा कि आप जानते हैं, रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन के बॉक्स ऑफिस सक्सेस के बाद हमें कई सारे स्पिन ऑफ अनाउंसमेंट मिल चुकी हैं, जैसे पेंगुइन का शो मिलेगा, स्केयरक्रो का शो मिलेगा, आर्कम असाइलम का टीवी शो मिलेगा। तो हो सकता है कि अगर जेसन ममुआ लोबो का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और वो सुपरमैन रिबूट में एज वन ऑफ द विलन नजर आने वाले हैं, और मान लीजिए सुपरमैन रिबूट बॉक्स ऑफिस सक्सेस रहती है, तो जो जेसन ममुआ है वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में हमें लोबो के तौर पे नजर आ सकते हैं। हो सकता है सुपरमैन रिबूट के बाद हमें एक लोबो की स्पिन ऑफ सीरीज भी देखने को मिल जाए। तो गाइज, बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं इस चीज की कि सुपरमैन रिबूट के सक्सेस के बाद हमें कई सारे स्पिन ऑफ भी देखने को मिल सकते हैं। अच्छा गाइज, लास्ट चीज लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि इसका प्रोडक्शन बजट वार्नर ब्रदर्स को कंट्रोल्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक तरीके से लोगों का ये मानना है कि एक तरीके से सुपर हीरो फैटीग होने लगा है। सुपर हीरो फैटीग इन द सेंस कि जो जनरल ऑडियंस है वो अब सुपर हीरो मूवीज की तरफ उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रही है। और आपने गौर भी किया होगा, इस ईयर में किसी भी सुपर हीरो मूवी ने $1 बिलियन का मार्क क्रॉस नहीं किया है। और कुछ ऐसी मूवीज जैसे टॉप गन मैवरिक वो केवल वर्ड ऑफ माउथ की वजह से $1 बिलियन का मार्क क्रॉस कर गई। तो मैं ये कहूंगा कि सुपरमैन रिबूट अगर वार्नर ब्रदर्स बना रहा है तो इसके प्रोडक्शन बजट को वो कंट्रोल्ड रखें। ये नहीं कि ब्लैक एडम की तरह $260 मिलियन आप लगाए दिए दे रहे हो। 150 से $175 मिलियन के बीच में एक कंट्रोल बजट अगर रखेगा वार्नर ब्रदर्स तो सुपरमैन रिबूट के बॉक्स ऑफिस सक्सेस होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। अगर आप नए एक्टर्स को लेके आ रहे हो तो डेफिनेटली प्रोडक्शन बजट कंट्रोल हो सकता है। अच्छा गाइस, अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि सुपरमैन रिबूट का जो प्रोडक्शन बजट है वो अराउंड $150 मिलियन है, तो गाइस आप जानते हैं किसी भी हॉलीवुड मूवी को बॉक्स ऑफिस सक्सेस होने के लिए अपने प्रोडक्शन बजट का 2.5 टाइम्स करना होता है। तो $150 मिलियन अगर प्रोडक्शन बजट है तो इसका 2.5 टाइम्स होगा $375 मिलियन।
यानी कि अगर 375 मिलियन डॉलर या 400 मिलियन डॉलर तक सुपरमैन रिबूट कर रही है तो वो ब्रेक इवन कर जाएगी, यानी वो पैसा लूज नहीं करेगी। और बाद में स्ट्रीमिंग के थ्रू, मर्चेंडाइज सेल और होम मीडिया सेल्स के थ्रू जो भी पैसा अर्न होगा वो प्रॉफिट के तौर पे जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि डीसी यूनिवर्स की जो फर्स्ट स्लेट होने वाली है या जो इनिशियल मूवीज होने वाली हैं उनके प्रोडक्शन बजट को कंट्रोल रखा जाए, 150 से 175 मिलियन डॉलर के बीच में भी रखा जाए, ताकि अगर वो 500 मिलियन डॉलर या 600 मिलियन डॉलर तक भी कर रही हैं किसी तरीके से तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट वो अर्न करके दे रही है वार्नर ब्रदर्स को। अच्छा, जो एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत से सब्सक्राइबर्स ने भी पूछा था कि भाई बैटमैन को कैसे एडजस्ट करेंगे इस यूनिवर्स में, तो बैटमैन को किस तरीके से इस यूनिवर्स में एडजस्ट किया जा सकता है, वो मुझे लग रहा है कि शायद सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो में जो हमें दिखाया गया था सेम हिंट यहां भी यूज किया जा सकता है। जैसे सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो में हिंट्स के थ्रू और ईस्टर एग्स के थ्रू हमें बता दिया गया था कि भैया बैटमैन एग्जिस्ट करता है इस यूनिवर्स में। तो अगर सुपरमैन रिबूट मूवी बन रही है तो हो सकता है किसी न्यूज़पेपर की कटिंग में या कोई एंकर जब इंटरव्यू दे रहा है या बैकग्राउंड में कोई टीवी चल रहा है, इनके थ्रू हमें एक ईस्टर एग दिया जा सकता है कि भैया बैटमैन एग्जिस्ट करता है इस यूनिवर्स में। और भी कई तरीके हैं बैटमैन को एडजस्ट करने के इस रिबूटेड यूनिवर्स में, जिसपे मैं बाद में कभी वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिलहाल गाइस, ये जो सुपरमैन रिबूट मूवी है अगर सही चीज़ें हो रही हैं और स्क्रिप्ट आपकी ठीक है और जनरल ऑडियंस के साथ मूवी क्लिक कर रही है और सुपरमैन एक पॉपुलर कैरेक्टर है, तो अगर ऑडियंस के साथ क्लिक कर रही है मूवी, प्रोडक्शन बजट भी कम है, तो डेफिनेटली वार्नर ब्रदर्स एक तरीके से प्रॉफिट अर्न कर सकता है इस मूवी से। हम जानते हैं कि ऑनलाइन एक बैकलैश है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जनरल ऑडियंस के साथ अगर मूवी क्लिक कर जाती है तो इन ट्विटर हैशटैग्स का फिर कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। ये हमने रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन के साथ भी देखा था कि जिनके अगेंस्ट ट्विटर पे बहुत सारे हैशटैग लिखे गए थे कि ये अच्छे बैटमैन नहीं हैं और इस मूवी को मत देखो, लेकिन फिर हमने ये देखा कि जनरल ऑडियंस के साथ मूवी क्लिक कर गई और उसने बॉक्स ऑफिस से पैसा अर्न किया। तो सुपरमैन रिबूट भी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस हो सकती है। तो गाइज, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि देखते हैं फ्रेश स्टार्ट किस तरीके से हो रहा है और सुपरमैन इन अर्ली ईयर्स, और वो एक रिपोर्टर की तरह हमें दिखाया जाएगा कि जो उसका मेन वर्क है ना कि एज अ रिपोर्टर भी हमें क्लार्क केंट शो किया जा रहा है, जो आई थिंक काफी टाइम हो गया हमें रिपोर्टर वाला रूप देखने को नहीं मिला है क्लार्क केंट का, तो शायद वो हमें इस मूवी में देखने को मिल जाए। तो गाइस, क्या आप एक्साइटेड हैं सुपरमैन रिबूट के लिए? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।